The phenomena involved in the reflection of radio waves by ionosphere is similar to. तो वो हमसे यहाँ से पूछ रहा है कि जो रेडियो वेव्स है वो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होती हैं, तो ये जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है ये किस वजह से है. तो इन चार ऑप्शंस को हमने देखना है. फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहा है कि ये जो रिफ्लेक्शन है इट इज जस्ट सिमिलर टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है जैसे कि मिरर फॉर्मेशन के अंदर होता है, या डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो रही है, क्लियर, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है. तो इन चारों में से कौन सी ऑप्शन सही है. तो इस बात को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, मतलब जो आयनोस्फेरिक लेयर्स हैं, उन आयनोस्फेरिक लेयर्स की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. तो ये एनसीईआरटी के अंदर भी क्लियर किया हुआ है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ से इनर लेयर से आउटर लेयर की तरफ जाएंगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, क्लियर. तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर से इधर जाते हुए घटेगा, तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना से पता है कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो रे है ये इस तरह से मूव कर रही है, ये रेडिएशन इस तरह से जा रहा है, और यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, तो फाइनली ये रे क्या कर गई, या ये रेडिएशन, ये पाथ, ये रे बेंड कर गई, क्लियर. तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स है आयनोस्फीयर से, ये बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना के ऊपर बेस्ड है. और ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी से ही लिया है, और इस बात को और क्लियरली लास्ट चैप्टर में आर्टिकल 15.6.2 में भी दिखाया हुआ है, और यहाँ पे क्लियरली लिखा भी है द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ ईएम वेव्स सो दैट दे आर डाइवर्टेड टुवर्ड्स द अर्थ इज सिमिलर टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ऑप्टिक्स, और ये स्टार लगा के नीचे दिखाया है कि दैट इट यू हैव टू कंपेयर दिस विद द फिनोमेना ऑफ मिरर फॉर्मेशन. तो अब यहाँ से क्लियर है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स है आयनोस्फीयर से वो बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन.